कोडरमा जिले के मरकच्चू प्रखंड स्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय मरकच्चू में विदाई सह सम्मान वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन शिक्षक विद्यासागर ने किया। वहीं इस विदाई समारोह में विद्यालय की प्रधान अध्यापिका स्वर्णलता, जो वर्ष 2 जनवरी 1985 में इस विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के पद पर योगदान दिया था, वहीं 31 जनवरी 2024 को सेवामुक्त हुए। वहीं इस दौरान विद्यालय की छात्राओं और शिक्षकों ने प्रधान अध्यापिका स्वर्णलता को एक से बढ़कर एक उपहार के रूप में फूल माला, बुके और अंग वस्त्र दिया और विदाई समारोह मनाया। इस मौके पर विद्यालय के छात्राओं ने एक से बढ़कर एक झारखंडी गीत, संगीत और नृत्य कला पेश किए। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार आदर्श मध्य विद्यालय मरकच्चू के प्रधानाध्यापक नागेश्वर ठाकुर, योगीडी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिन्हा समेत प्रखंड प्रमुख विजय कुमार सिंह, राजद नेता तौकीर अहमद समेत दर्जनों लोगों ने इस विदाई समारोह के अवसर पर एक से बढ़कर एक उपहार पेश किए। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापिका स्वर्णलता ने कहा कि मैंने इसी मरकच्चू की धरती पर पैदा हुई और इसी मरकच्चू की धरती पर अपनी शिक्षा पूरा की। इसी मरकच्चू की धरती पर परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के रूप में ज्वाइन किया और इसी मरकच्चू के विद्यालय से सेवानिवृत्त हुई, जो मेरे लिए बिल्कुल सौभाग्य की बात है। वही कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की छात्राओं पर स्त्री पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में व्यवस्थापक के रूप में शिक्षक रामकृपाल सिंह ने अहम भूमिका निभाई। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आपका इस परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में कब योगदान हुआ था? 2/1/1985 को मैं यहाँ योगदान दी थी। यहाँ की पहली ग्रेजुएट लड़की थी मेरा, इसी गांव में मरकच्चो प्रखंड का, ये मरकच्चो गांव में ही मेरा जन्म हुआ। मेरा ये कर्म भूमि भी बना, जन्म भूमि के साथ मैं कर्म भूमि भी बनाई और यहीं मैं कार्यरत रही। 38 वर्ष बाद मेरा सेवानिवृत्ति 31/1/2024 को हो चुका है। तो इसके बीच में आपका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल मेरा बहुत उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी थी और उस बीच मैं प्रधानाध्यापिका के पद पे पदस्थापित थी। मुझे संघर्ष करना पड़ा, फिर भी मैंने रिजल्ट विद्यालय का बेहतर देते आ रही हूँ। आज आपका विद्यालय से कोई शिकायत रह गया क्या? मेरी कोई शिकायत नहीं। मेरे जितने नव नियुक्त शिक्षक आए हैं सभी बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं और बहुत माँ और बेटे की तरह, बच्चियों की तरह मेरे जीवन के साथ मेरा उनका संबंध है, बहुत मधुर संबंध है। आगे क्या करने का विचार है? आगे अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, उनके हर क्रियाकलाप में साथ रहना है, उनसे बहुत समय तक उनसे दूर रही हूँ। बच्चे के बीच में जाकर मैं थोड़ा उनके साथ समय बिताकर खुश रहना चाहती हूँ। तो विद्यालय से विदाई लेते समय क्या यहाँ के बच्चों के लिए कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामना है, जो मैंने अभी तक बच्चों के लिए किया मुझे उम्मीद है कि बच्चे खरे उतरे हैं और आगे भी ये बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछले वर्ष का रिजल्ट और भी समय का जो रिजल्ट इन्होंने दिया है बहुत बेहतर है, जिले में स्थान लेकर आई हैं बहुत सारी बच्चियाँ। मैं इनके लिए शुभकामना देती हूँ कि ये हमेशा अपने पथ पर अग्रसर रहें और कामयाबी हासिल करें। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।